हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सीडी जंक्शन। आज हम एक और खास टॉपिक के साथ आए हैं। वो टॉपिक खास क्यों है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। किस वजह से ये इतना खास है, क्योंकि आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर व्लॉगर, हर कॉन्टेंट क्रिएटर और हर यूट्यूबर यूज करना चाहता है। तो गाइज, ये टॉपिक इतना खास इसलिए क्योंकि ये एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर है जो कि मोस्टली यूट्यूबर्स यूज करते हैं व्लॉगिंग के लिए। उसके अलावा कंटेंट क्रिएटर जितने भी है वो यूज करते हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने भी लोग हैं वायरलेस माइक्रोफोन यूज करना चाहते हैं, लेकिन बोया और दूसरी कंपनीज के जो अच्छी क्वालिटी के वायरलेस माइक है उनकी प्राइस रेंजेस जो है तकरीबन 17,000 से 18,000 रुपए से स्टार्टिंग है। मतलब एक अगर अच्छा माइक्रोफोन आपको चाहिए तो उसकी प्राइस रेंज आपको इतनी मिलती है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है उसको परचेज नहीं कर पाते और वायर वाले माइक्रोफोन से काम करते हैं। लेकिन जो माइक्रोफोन मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ वो बेस्ट क्वालिटी के अंदर एवरेज बजट प्राइस रेंज के अंदर जो है आपको मिलने वाला है। तकरीबन पाकिस्तानी प्राइस रेंज में अगर हम बात करें तो 3,000 रुपए तक का, और इंडियन प्राइस के हिसाब से तकरीबन 1,500 रुपए तक का आई थिंक आपको वहां से भी मिल जाएगा। तो ये माइक्रोफोन जो है ये उनसे किस तरह अलग है और इसकी प्राइस रेंज में इतना फर्क क्या है और फीचर्स में क्या फर्क है वो सब हम देख लेते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, इस माइक्रोफोन की प्राइस सुनने के बाद आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी कि ये जो माइक्रोफोन है इस वजह से सस्ता हो सकता है क्योंकि हो सकता है इसका बैटरी बैकअप कम हो सकता है इसकी जो वॉइस इंटेंसिटी है वो नॉर्मल हो। मेरे जहन में भी कुछ इसी तरह की बातें आई थी, लेकिन मैंने इसको पर्सनली टेस्ट किया है और इसकी वॉइस इंटेंसिटी और इसकी बैटरी बैकअप से मैं खुद हैरान हूँ। मतलब कंटिन्यूसली मैंने इसको 3 घंटे तकरीबन जो है चेक किया लगा के, और उसमें स्टैंड बाय और वो तकरीबन टाइम मिक्स था तो तकरीबन एवरेज मिला के 3 घंटे तक नॉन स्टॉप चलता रहा है। उसके बाद में इसमें इतनी बैटरी थी कि उसको आप एक वीडियो में शूट कर सकते हैं। और फिलहाल जो हम माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं वो यही माइक्रोफोन है जो हम अभी इसके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वॉइस इंटेंसिटी का तो है आपको जो है आइडिया हो ही रहा होगा, हम खुद भी काफ़ी इंप्रेस हुए इसकी वॉइस इंटेंसिटी देख के। मतलब इतने लीज बजट में एक परफेक्ट माइक्रोफोन जो है आपको मिल रहा है, वो भी वायरलेस और इतनी रेंज में कि 10 से 15 मीटर के रेडियस के अंदर ये काम करेगा। तो इसको अनबॉक्स होने से पहले हम इसके बॉक्स पर लिखी चीज़ों के बारे में नोटिस कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आपको बॉक्स में इसका देखने को मिल जाएगा एक माइक्रोफोन जो कि एक रिसीवर के साथ है। रिसीवर का जो जैक है वो लाइटनिंग पोर्ट के अंदर है, लेकिन इसमें जो है एक खास बात ये भी है कि ये आपको टाइप सी पोर्ट में भी जो है हमारे पास मिल जाएगा। टाइप सी और लाइटनिंग दोनों पोर्ट्स में ये अवेलेबल है। ये आपको जो है माइक का बटन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा जिसको पावर ऑन ऑफ करेगा। इसके अलावा जो है कॉलर क्लिप माइक के साथ ही अटैच है और बहुत छोटे से साइज का माइक्रोफोन है, वो भी मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा दूंगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो उसके अलावा इसमें जो फीचर्स लिखे हुए हैं वो है स्मार्ट नॉइस कैंसिलेशन वगैरह, बैटरी बैकअप जो है वो आपको बहुत अच्छा देने वाला है। उसके अलावा जो है रियल टाइम साउंड रिसेप्शन जो है ये आपको प्रोवाइड करेगा, और पोर्टेबल सा बिल्कुल माइक्रोफोन है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब इजी टू कैरी है, आप इसको इजीली लेके कहीं भी लेके जा सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा ये आपकी जगह जो है कंज्यूम नहीं करेगा। अब चलें हम इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि इसके अंदर का जो है साइज वगैरह कितना है, इसकी पैकिंग वगैरह कैसी है और क्या क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले बॉक्स को खोलते ही हमें जो चीज़ देखने को मिली वो है इसका यूज़र मैनुअल, और एज यूजुअल जो इसकी मेन चीज़ होती है वही सामने नज़र आती है जो कि हमारे पास माइक्रोफोन और रिसीवर हैं। हमने माइक्रोफोन को बाहर निकाल लिया है गाइस पैकिंग से। माइक्रोफोन की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी मैं इसको कहूँगा। और उसके अलावा इसमें जो है एक बिल्टन कॉलर क्लिप जो है दिया हुआ है और बैक साइड पर एक पावर का बटन जिससे ये पावर ऑन ऑफ होगा। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, टाइप सी के जो है जैक इनपुट लेगा चार्जिंग का ये। और फिलहाल जो हमने इसका वेरिएंट अनबॉक्स किया है वो है लाइटनिंग वाला। इसके अलावा जो इसमें आता है वो टाइप सी पोर्ट में भी आता है। अब जितने भी मोबाइल आ रहे हैं हमारे पास वो तो या लाइटनिंग आ रहे हैं या टाइप सी आ रहे हैं, और इन दोनों में सबसे बड़ा मसला जो हमें देखने के लिए मिल जाता है वो ये है कि इसमें एक ही जैकेट अब जो है अवेलेबल है, उसी में आपको अपनी चार्जिंग भी करनी है और उसी में आपको हैंड फ्री का ऑप्शन भी दे दिया, जो कि एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो रहा था यूट्यूबर्स वगैरह के लिए वीडियो वगैरह बनाने में और बाकी चीज़ों में। लेकिन इन्होंने इसमें क्या फंक्शन आपको दे दिया है कि जब आप लाइटनिंग जैक मोबाइल में इनपुट करेंगे तो साथ साथ आप अपना मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं। उसके लिए एक एक्सटेंशन उन्होंने यहाँ पे दे दी है जिसके थ्रू आप अपनी चार्जिंग केबल लगा के मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। सेम यही चीज़ टाइप सी वाले में भी आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी जो है माइक्रोफोन की अगर हम बिल्ड की बात करते हैं तो उसी में पर आपको एक ग्रिप देखने के लिए मिल जाएगी जो काफ़ी हद तक आपकी जो है नॉइस कैंसिलेशन करेगी। नॉइज़ कैंसिलेशन के मैं बारे में इसमें कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा कंडेंसर माइक्रोफोन वाला साउंड तो नहीं, लेकिन इंडोर रिकॉर्डिंग के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है, काफ़ी हद तक सप्रेस कर रहा है नॉइसेस को। आउटडोर रिकॉर्डिंग के लिए जो है वो एक अलग चीज़ है, वो तो पूरा आपको फिर कंडेंसर माइक्रोफोन वगैरह का जो है सेटअप वो यूज़ करना पड़ता है। फर्दर इन द बॉक्स गाइस, इसके डब्बे के अंदर जो है टाइप सी केबल मौजूद थी जो कि एक आम सी चीज़ है, इसलिए मैंने आपको वो दिखाई नहीं। चलें इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अगर इसकी पेयरिंग के प्रोसेस की, तो निकालते साथ ही बस इसका पावर बटन आपने ऑन करना है और ब्लू लाइट ब्लिंक करके स्टेबल हो जाएगी। दैट्स मीन वो एक चीज़ आपके पास जो है पेयर हो चुकी है, उसके बाद आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं इसको।
और पर्सनली हमारी टीम को भी जो ये माइक्रोफोन बहुत पसंद आ गया और हम लोग अपनी हर वीडियो में अब इसी माइक्रोफोन को यूज करेंगे। जब तक इसका कोई एडवांस मॉडल नहीं आता या इससे कोई और अच्छी चीज जो इस तरह की है वो नहीं आती, तब तक हम यही माइक यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको जो है गाइज ये माइक पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और हमारे नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पर होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।